अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्लॉग्स बाय अब्दुल्ला। आज हम अपनी YouTube और मोबाइल स्टॉप की फैमिली के लिए मोटोरोला एज प्लस 2022 लेके आ चुके हैं। किस लेवल की चीज़ है आप चेक करें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है। सबसे पहले आपको कंडीशन चेक कराते हैं, 10x10 कंडीशन में अवेलेबल है 2022, मोटोरोला एज प्लस 2022 चेक करें आप, बिल्कुल ब्रांड नहीं गणी। सबसे पहले इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। बैक पे जो है इसके 50 मेगापिक्सल के तीन कैमरे आते हैं, 50 मेगापिक्सल 1x, और इसके बाद जो है ये इसका दूसरा लेंस जो है वो आपको मिल जाता है 3x में, तीसरा अल्ट्रा वाइड में। इसके भी नीचे जो है मोटोरोला का लोगो आ जाता है। बैक पे आपको डुअल टोन फ्लैश लाइट और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग माइक मिल जाता है। अपर साइड पे भी इसके ऊपर जो है ना वीडियो कॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग माइक मिल जाता है। साइड पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और साथ में वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है। नीचे आ जाए तो आपको ड्यूल स्पीकर जो है उसकी पॉड मिल जाती है, साथ में कॉलिंग माइक, साथ में जो है ना आपको अल्लाह आपका भला करे टर्बो फास्ट 45 वॉट का चार्जर मिल जाता है, साथ में सिम ट्रे मिल जाती है, सॉरी टाइप सी पॉड मिल जाती है, चार्जिंग पॉड। राइट साइड पे इसका कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रंट पे जो है इसका नॉच डिस्प्ले है, नॉच आ गया सॉरी पिंच होल डिस्प्ले है। सिर्फ कैमरे का हॉल होता है इसके अंदर, और ऊपर जो है वो आपको एक और एयर पीस स्पीकर मिल जाता है। सबसे पहले जी हमारे पास ये दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, मोटोरोला एज प्लस 8128 12256, ठीक है। स्पेक सेम है, सिर्फ 8128 और 12256 का फर्क है। ये आपने नोट रखना है, 8 वाले में भी स्पेक्स वही हैं, 12 वाले में भी वही हैं। 4800 mAh की बड़ी बैटरी में आता है, 8128 12256 8th Gen 1 प्रोसेसर 4nm का, जो कि 90 FPS देता है PUBG के अंदर। उसके बाद जो है वो इसकी जो LCD है वो आप चेक कर सकते हैं, 144Hz 1TB कलर के साथ आती है। इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छी चीज मैंने आज तक नहीं देखी, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, 50 मेगापिक्सल कैमरा, फीचर्स आपने नोट डाउन करने हैं, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, फ्रंट पे पिंच होल, 60 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके बाद 1TB की LCD, 1TB कलर्स की LCD और IPS OLED पैनल विद 144Hz 8th Gen 1 प्रोसेसर 8GB के साथ और 12GB के साथ, ठीक है। सिंगल सिम CPID अप्रूव, और इसके अंदर जो है ना आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। उसके अलावा जो है ना आपको इसका हम एक दफा कैमरा वगैरह चेक करवाते हैं, और साथ में जो है आपको ये देखें कैमरा आप इसका चेक कर सकते हैं, 1x 0.5x और ये 3x जिसको हम माइक्रो लेंस कहते हैं। चेक करें आप जी, बड़ी बेहतरीन चीज है माशाल्लाह। इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छी और चीज मिल ही नहीं सकती, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले आप एक दफा चेक करें, 144Hz का एक दफा आप इसका डिस्प्ले चेक करें, 5G मॉडल है, डिस्प्ले भी इसका बड़ा कमाल है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एंड्रॉइड वेरिएंट 12 और 13 में आता है, ठीक है। इसके हम फीचर्स की बात करें तो फीचर में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना स्टैंडर्ड इसके अंदर जो है वो मिल जाती है, अल्लाह आपका भला करे सिंगल सिम ट्रे मिल जाती है, और ये जो है वो 68 वॉट की चार्जिंग के साथ है। मैं 45 वॉट समझ रहा था, 68 वॉट चार्जिंग के साथ है, सिर्फ ये जो है ना 35 मिनट में फुल होता है। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो 8128 वाला सिर्फ आपको 84,000 में मिल जाएगा, 12256 वाला सिर्फ आपको 95,000 में मिल जाएगा। इतने में 8 जेन 1 प्रोसेसर नहीं मिलता, डब्बा पैक सैमसंग में चले जाए तो इतने में S20 इसका जो है ना वो आता है, अल्लाह आपका भला करे A23 A24 आता है, लेकिन वो फर्क चीजें हैं इसके आगे, ठीक है। ये 8 जेन 1 प्रोसेसर है। ये जी हमारी आज के जो है ना रिव्यू था मोटोरोला एज प्लस 2022 का। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में, तब के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।